भाई आज मेरे पास अंडर 10,000 ही बजट कैटेगरी में आने वाला एक ऐसा ऑलराउंडर पैकेज है जिसमें सारी चीजें तो आपको मिल जाती है। एंड मुझे नहीं लगता अभी इस प्राइस सेगमेंट में मार्केट में और भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है। यह है मोटोरोला का लेटेस्ट मोटो G45 5G। आज हम इसी का परफॉर्मेंस टेस्ट करके फाइंड आउट करेंगे कि BGMI के अंदर कितने लाइव स्टेबल FPS ये डिवाइस निकाल के देते हैं, हीटिंग वगैरह कैसे कंट्रोल करता है, 5000 mAh की बैटरी है एंड टेम्परेचर को कैसा है मेंटेन करके चलते हैं। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट आप देखो, सारी चीजें तो बॉक्स के अंदर प्रोवाइड की गई है। 20 वोल्ट का चार्जर हो बट जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो यहाँ पे फोन के ऊपर प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आते ही स्क्रेचेस वगैरह मिल जाएंगे। तो स्क्रेचेस लग चुके हैं यहाँ पे एक दो दिन के अंदर बिना फोन को ज्यादा यूज करे, तो आते ही इस पे टेम्पर्ड ग्लास डेफिनेटली जरूर से अप्लाई कर लेना। बाकी सबसे पहले इसकी प्राइसिंग आप सुनो, 10,000 में फोन स्टार्ट होता है फॉर द बेस वेरियंट 4+128GB एंड 8GB RAM अगर आप परचेस करते हैं वो है 12,000 का। फ्लिपकार्ट पे ये फोन एक्सक्लूसिव अवेलेबल है एंड 4GB RAM पे 500 रुपए का डिस्काउंट है, यानी 9,500 में आप परचेस कर सकते हैं। एंड जो 8GB RAM है वहाँ पे 1,000 का ऑफ है, यानी 11,000 में। तो अगर 11,000 अगर आपका बजट है तो मैं रिकमेंड करूंगा 8GB RAM वाला परचेस कर लेना फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए। बाकी सारे फीचर्स है, इसका हैंड इन फील आप देखो वीगन लेदर है एंड डिवाइस इतना हैवी भी नहीं है। 50+2 MP का बैक कैमरा है, 16 MP का सेल्फी है। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 है जो कि 6 NM बेस्ड है। एंटीटू स्कोर आप देखो 3,25,000 के आसपास है, बट 1,00,000 या फिर 1,20,000 के आसपास इसने GPU स्कोर यहाँ पे कैप्चर नहीं किया है। तो इसकी जो एंटीटू स्कोर है वो 4.5-5,00,000 के बीच में आते हैं। 10,000 के नीचे इतने एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आने अपने आप में काफी बड़ी बात है। बाकी CPU थ्रोटल के टेस्ट आप देखो 90% के आसपास के परफॉर्मेंस ग्राफ है। तो वीडियो पसंद आई वीडियो यार फटाफट लाइक कर दो एंड चैनल को सपोर्ट करो, जल्दी से 4,00,000 सब्सक्राइबर फैमिली हमें कंप्लीट करनी है। तो चलो फिर गेमिंग टेस्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले फोन के अंदर आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर लो, अभी के लिए फोन में 64% बैटरी बची है एंड यहीं से हम गेमिंग टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। बट सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ डिवाइस अपना है मोटो का G45 एंड जो डिवाइस है एंड जो गेम है दोनों के दोनों ऑलरेडी लेटेस्ट अपडेटेड है। यहाँ पे जो डिस्प्ले 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले है 720p रेजोल्यूशन के साथ, ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद 10,000 का ये डिवाइस पड़ जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट लेकर आता है ये डिवाइस, तो 120Hz पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। बाकी आउटडोर में अगर आप गेम प्ले करेंगे वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ ये डिवाइस आता है, तो इंडोर में ऐसा कोई इशू वगैरह नहीं होने वाला। तो गेम को ओपन करने से पहले गेम्स नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, यहाँ पे माई गेम्स में आप आओगे, यहाँ से अपना गेम वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी गेम आप डाउनलोड करेंगे। 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है वो आपको एनेबल कर देने, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स है, यहाँ पे जो साइड गेस्चर्स है उनको अगर आप गेमिंग के टाइम ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर इनके गेस्चर्स को लॉक करना चाहते हैं तो ये सेटिंग्स भी आपको मिलती है। टूल किट एक्सेस को सिंपली आपको टच पे या फिर जो गेम मोड है स्लाइड करके, तो ये आपकी पर्सनल सेटिंग्स है, इसको कर सकते हैं। टाइमर को हम स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कितने सेकंड टाइम लगाता है गेम को ओपन करने में। बाकी जो भी गेम प्ले रहेगा AC ऑफ रहेगा रूम के अंदर एंड जो फैन है वो भी ऑफ रहेगा। इसके अंदर बेसिकली ये गेम मोड आपको मिल जाता है, इसमें CPU GPU डिटेल्स हैं, बैटरी परसेंटेज है, यहाँ पे साउंड की सेटिंग्स है एंड जो ब्राइटनेस वगैरह है, इसके अंदर वॉइस चेंजर, ये सारा फीचर। तो यहाँ पे आप देख लो लगभग 26 सेकंड के आसपास का इसने टाइम लगाया गेम को ओपन करने में। इसके अंदर जो वॉइस चेंजर की सेटिंग्स है वो मुझे इसके गेम मोड में अभी के लिए नहीं मिली है, तो मोटोरोला का फीडबैक है जल्द से जल्द अपकमिंग अपडेट के साथ वॉइस चेंजर भी यहाँ पे एड कर दे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी एप्स के अंदर आप आओगे यहाँ पे एडिट की सेटिंग्स है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन जैसे गेम प्ले के टाइम व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह अमेजोन कोई भी एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है सिंपली टिक करो एंड यहाँ पे गेमिंग के टाइम आप सिंपली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। कॉर्नर से साइज वगैरह एडजस्ट करने का ऑप्शन है एंड ये कोने पे जो माइनस बटन है यहाँ पे जो आइकन है वो भी आपका साइड में आ जाएगा, तो गेमिंग करो एंड साइड बाय साइड चैट वगैरह करनी है तो ये भी ऑप्शन है एंड यहाँ से क्लोज करने की सेटिंग है। बाकी जो स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड जो बेसिक ऑप्शन है ब्लॉक नोटिफिकेशन वगैरह ये सारे ऑप्शन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में। ग्राफिक सेटिंग्स सबसे पहले आप चेकआउट करो, स्मूथ के अंदर अल्ट्रा है, 40 FPS के अराउंड आप गेम प्ले कर सकते हैं। बैलेंस्ड में भी सेम है, HD हाई सेटिंग्स है, तो स्मूथ एंड अल्ट्रा में हम गेम प्ले करेंगे एंड जो FPS मीटर था वो मैंने ट्राई किया बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स यहां पे वो अनेबल नहीं हो पाया। तो सबसे पहले क्या करते हैं TDM के अंदर गेम प्ले लगा लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसी क्या कुछ परफॉर्मेंस ये स्टेबल, कितनी बैटरी वगैरह ड्रॉप देखने को मिलती है। वैसे 64% से हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर जो FPS मीटर था वो मैंने काफी देर तक ट्राई किया कि अनेबल हो जाए। जनरली अपनी वीडियोस में हर एक डिवाइस के अंदर FPS मीटर मैं अनेबल कर देता हूँ बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो ऐप थी वो यहाँ पे क्रैश हो रही थी तो वो अनेबल नहीं हो पाया। बट एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा जायरो परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी वगैरह कितनी ड्रॉप होती है। अभी रूम के अंदर AC फैन सब कुछ ऑफ है, देखते हैं यहाँ पे इस मैच को कंप्लीट करने के बाद कैसी क्या कुछ परफॉर्मेंस आती है। एंड स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ बॉटम साइड में एंड यहाँ पे भी साउंड आपको मिलती है, तो यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी लाउड है एंड काफी बढ़िया है।
तो यहाँ पे अपना TDM के अंदर सबसे पहला गेम प्ले हमने कंप्लीट कर लिया लगभग 12 मिनट के अंदर। 64% पहले बैटरी थी, अभी आप देख लो 60% यानी 4% के आसपास बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी आप चेकआउट कर लो, 37 के आसपास अभी टेम्परेचर जा चुके हैं। एंड बैक साइड का कुछ सेम ही टेम्परेचर है, AC ऑफ है, फैन ऑफ है, देखते हैं यहाँ पे। अभी अगला हम गेम प्ले लगाएंगे गन गेम के अंदर एंड वहाँ पे देखते कैसी है उस परफॉर्मेंस, ये डिवाइस निकाल के देते हैं। हम उसके बाद इरेंगल के अंदर गेम प्ले लगाएंगे। तो लॉन्ग मैच में एंड शो TDMs के अंदर जो बैटरी परफॉर्मेंस है उसमें क्या कुछ डिफरेंस आता है, लैग वगैरह मिलता है या फिर अभी टेम्परेचर भी कंट्रोल में है। एंड जायरो परफॉर्मेंस भी मुझे 10,000 के अकॉर्डिंग इस डिवाइस की काफी परफेक्ट लगी। वैसे रियलमी C63 या फिर वीवो का T3 लाइट भी मैंने टेस्ट किया था, उनसे तो बैटरी है लगभग मतलब सही है। सच मुझे इतना डिले वगैरह नोटिस नहीं हुआ है इस प्राइस सेगमेंट के बाद भी। तो अभी यहाँ पे अपना गन गेम के अंदर भी गेम प्ले हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले बैटरी परसेंटेज जब चेकआउट करो, इसको स्टार्ट करने से पहले 60% थी, अभी 57 यानी 3% के पास यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है। एंड जो टेम्परेचर वो भी आप देख लो 40 के राउंड जा चुका है, यहाँ पे 40 प्रॉपर आ चुका है इस कॉर्नर पे, पहले 38 के राउंड था, अभी बैक साइड का भी कुछ सेम ही टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर ऐसा इतना ज्यादा ओवर इंक्रीज नहीं हुआ। अभी हम क्या करते हैं, एक इरेंगल के अंदर लंबा गेम प्ले लगाते हैं, यहाँ पे देखते कैसी कुछ परफॉर्मेंस ये डिवाइस निकाल के देता है। वैसे जो इसका स्नैपड्रैगन 6 है Gen 3 का चिपसेट है वो काफी सही फॉर्म करा के दे डिवाइस के अंदर। जो जायरो परफॉर्मेंस है वो भी 10,000 के अकॉर्डिंग मुझे काफी सही लगी, कोई डिले वगैरह अभी तक इतना ज्यादा कुछ नोटिस नहीं हुआ। तो इस बजट सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस आप बोल सकते हैं, BGMI या फिर फ्री फायर COD मोबाइल या फिर और कोई गेम अगर आपको गेम प्ले करनी है काफी सही गेमिंग आपको एक करा के दे देगा। रिकमेंड करूंगा जो हायर वेरियंट है, अगर बजट है तो उस पर आप जा सकते हैं। वैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर ये फोन आपको मिल जाते हैं, बाकी देखते हैं इरेंगल में कैसे क्या उस परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं।
तो यहाँ पे अभी अपना पूरा गेम प्ले कम्प्लीट हमने कर लिया है मोटोरोला G45 डिवाइस के अंदर। अगर मैं फाइनल फीडबैक के बारे में आपको बताऊँ, सबसे पहले इसकी बैटरी परसेंटेज को आप चेकआउट कर लो, 64 से वैसे हमने स्टार्ट किया था, अभी 51% बैटरी बची है। लगभग 40 मिनट के आसपास का टाइम कम्प्लीट हो चुका है, गेम कम्प्लीट हो चुका है एंड 13% के आसपास का बैटरी ड्रॉप आया है। तो ठीक ठाक बैटरी परफॉर्मेंस कहूंगा, इतना ज्यादा बेटर भी नहीं, इतनी ज्यादा बेकार भी नहीं है। हायर जितनी मैक्स सेटिंग्स इस डिवाइस के अंदर हम कर सकते थे तो उनको सेट करके हमने गेम प्ले किया एंड जो टेम्परेचर था वो भी डिवाइस का कंट्रोल में था। 40-41 यहाँ पे मैक्स गया था, इससे ऊपर इसका टेम्परेचर भी नहीं गया, ऐसा नहीं यहाँ पे कि 45 तक चला गया। तो 10,000 में मुझे डिवाइस काफी बढ़िया लगा, डेफिनेटली रिकमेंडेड आप परचेज कर सकते हैं। रूम का एसी ऑफ था, फैन ऑफ था, इतनी सारी लाइट्स यहाँ पे ऑन थी, उसके बाद भी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे 10,000 के अकॉर्डिंग 40 FPS ये स्टेबल निकाल के दे रहे हैं, काफी सही परफॉर्मेंस है। जायरो भी इतना ज्यादा डिले वगैरह मुझे नहीं लगा 10,000 के अकॉर्डिंग। और जितने डिवाइसेज मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वीवो की 3 लाइट, रियलमी का C63 5G, उनसे तो बेटर इसका जायरो परफॉर्मेंस मुझे लगी भाई। टेम्परेचर कंट्रोल में, बैटरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक होगा, थोड़ा बहुत और 1-2% कम ड्रॉप होती है। 1 घंटे का गेम प्ले नहीं किया, शायद 1 घंटे के अंदर 20% के आसपास 19-20% बैटरी ड्रॉप हो जाती, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की नीड है। बाकी बैटरी भी वैसे ठीक ही परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। यहाँ पे जो ब्राइटनेस रखी थी हमने गेम प्ले के टाइम वो 50 के आसपास रखी थी, अभी मैंने थोड़ी सी कम कर दी। बाकी आपको कैसा लगा गेम प्ले आप कमेंट करके बताओ एंड जो भी आपके डाउट्स हैं इस डिवाइस को लेकर वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका बैकवर या टेम्पर ग्लास अगर आपको परचेज करना है तो वो भी आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं एंड जो बाकी डिवाइसेज हैं उनकी वीडियोस का भी गेमिंग का आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।